हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाईपास स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो देखते हैं आज हम लोग का कौन सा टॉपिक रहने वाला है इस क्रैश कोर्स में, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इस क्लास के जस्ट बाद में आपका जो अगला क्लास होता है वो है 7 AM का क्लास, जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के हर एक चीज़ को कवर करते हैं आपके उस पर्टिकुलर सेशन में। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से जुड़ा हुआ है, द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज, यानी कि हम लोग यहाँ पे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे वेद है जिसके अंदर सारे रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। हमारी जो पूरी हिस्ट्री है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 4 वेदों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें से सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वो कौन सा है, दैट इज ऋग्वेद। और ऐसा कहा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, ऋग्वेद के साथ में ही जुड़ा हुआ है। जब हम साम वेद की बात करते हैं तो साम का मतलब क्या हो गया, दिस इज रिलेटेड टू म्यूजिक, ये म्यूजिक के बारे में बात करता है। अगला, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रैक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेद, यानी कि जो म्यूजिक है वो आपको कौन से वाले वेद में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साम वेद के अंदर म्यूजिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। जैसे हम कहते हैं सा रे गा मा प, तो दिस इज व्हाट, ये साम वेद का हिस्सा है। अगला, द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा था जिसने क्या किया था, साउथ इंडिया के अंदर जाके क्या किया था, आर्यंस को बढ़ावा देने की शुरुआत करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज से जुड़े हुए यहाँ पर कौन सा नाम है जिन्होंने क्या किया था, संस्कृत भाषा को पढ़ना और समझना शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जा चुका है। अभी आप अगर रेलवे में भी देखो तो रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद के टाइम पे या फिर बाकी वेदों के टाइम पे आप देखेंगे तो जो इंद्रदेव थे, अग्निदेव थे, इन सबको बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता था। लेकिन जो मोस्ट आते थे, यानी कि जो टॉप पे आते थे, वो कौन थे, वो हो जाएंगे इंद्रदेव। अगला, वॉट वॉज द प्लग नोन एज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, सीरा के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट, आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट वैदिक टाइम पर जो इम्पॉर्टेंट गॉड थे उनके बारे में, यानी कि जो भगवान थे उनके बारे में। तो मैंने अभी आपको बोला था अग्नि थे, इंद्र थे और कौन था, सोम थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से भगवान की पूजा जो है वो इनके द्वारा करी जाती थी। वैदिक सिविलाइजेशन में अगर आप पहले के टाइम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको 3 फेजेस में मिलेगा, तो जब अर्ली वैदिक पीरियड आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि विमेंस को बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं थे। विमेंस को किसी भी तरीके से अगर आप देखोगे तो वो कहते हैं ना, कोई पावर नहीं थी उनके पास में, बट धीरे धीरे करके उनके पास में वो पावर्स आना शुरू होती हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश अलॉन्ग द रिवर, कौन सी नदी के पास में, आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे और ग्रामीण होते थे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, गायत्री मंत्र, मैंने अभी आपको बोला कि ये आपको कौन से वेद में मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के अंदर इसके बारे में बातें कही गई हैं। इसके अंदर सारे हिम्स लिखे हुए हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो आप उच्चारण करते हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखी हुई मिलेंगी। अगला, ऋग्वेद वॉज रिटन ड्यूरिंग विच दी एज, मतलब किसके एज के टाइम पे इसको लिखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन एज के अंदर इसको यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद वॉज कंपोज बाय, ये मैंने क्वेश्चन आपको कई बार पूछा हुआ है, और अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने रेलवे के क्लासेस किए होंगे तो वहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, होत्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स आर यूजफुल टू नो अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड, यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड को जानने के लिए कौन से सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया ताकि उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में पता लगाया जा सके। इंडिया का नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, ये मंत्र जो है या ये जो स्कल्पचर है ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, उपनिषद के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल कितने होते हैं, इतने होते हैं। अब इसमें से कौन सा वाला है, मुदका उपनिषद जो है उसके अंदर आपको ये मिलेगा। अब ये मत कहने लगना जॉन इब्राहिम वाला भी तो है मैम। अगला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइटीज ऑफ द ऋग्वेद एरा एक्सेप्ट,
ये सारे के सारे जो हैं इन सबकी पूजा करी जाती है ऋग्वेद के समय पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसकी पूजा नहीं करी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामा जो है वो यहाँ पर, या राम कह लो, रामा क्या राम कह लो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी माँ कई बार ऐसा ही लिखा होता है, तो भगवान राम जो थे उनकी यहाँ पे पूजा नहीं करी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उपनिषद डील्स विद, उपनिषद होते क्या है, तो उपनिषदों की अगर हम बात करें तो दे आर जस्ट लाइक अ व्हाट, रूल्स, एक तरीके से आप कह सकते हो रूल्स होते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे ये एक तरीके के रूल हुआ करते थे, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात को समझो कि इसके अंदर हिम्स दिए हैं। अब हिम्स दिए हैं तो इसका जो मीनिंग है भैया वो भी समझ में आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो इसके अंदर सोशल बिहेवियर बताया गया है मैन का, रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया जो कि हिंदू रिलीजन के अंदर हुए, और तीसरी चीज़ इसके अंदर एंशियंट हिंदू लॉज जो हैं उनके बारे में भी दर्शाया गया है। अगला, विच इज द ऋग्वेद मंडल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, कौन सा वाला है जो कि यहाँ पे कम्प्लीटली सोम डायनेस्टी को जो है वो डेडिकेटेड है, आंसर हो जाएगा 9th मंडल इज द राइट आंसर। अगला, सेज कपिला इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सामख्य इज द राइट आंसर, जो इंडियन फिलोसफी की बात हो रही ना तो यहाँ पे इनका नाम आ जाएगा। अच्छा, अगला देखिएगा, हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ योग धर्म, एक्सपोनेंट कौन था योग धर्म का, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आज आपको मैंने देखो आज नहीं मतलब अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था योगा वोगा के बारे में, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि आयुष्मान मिनिस्ट्री किसके पास में है, ध्यान होगा आपको, आई होप कि सोनवाल जी के पास में ये मिनिस्ट्री आपको मिलेगी, और ये कौन थे, ये आसाम के सीएम थे, लेकिन अभी ये कौन बन चुके हैं, जिनके पास में आपको आयुष मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो योग दर्शन जो है दिस इज अ किसका होगा, पतंजलि का होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर जो प्रॉपर्टी का फॉर्म होता था वो यहाँ पे क्या था, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मास इज अटैच्ड टू द यजुर्वेद, यजुर्वेद से किस चीज़ को यहाँ पे अटैचमेंट आपको देखने को मिलता है, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया स्टार्टिंग में, इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, और इस पर्टिकुलर में ये सेकेंड पार्ट था, क्योंकि इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे। तो अगर आपने यहाँ पे पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी 7 बजे आपसे मुलाकात तो होती है। ये मत सोचना कि मैम ये वाला सेशन छोटा था, क्योंकि ना इसका पहला पार्ट हम पिछले वाले क्लास में करा चुके हैं, कुछ छुटपुट छुटपुट क्वेश्चंस बचे थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इसके अलावा बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही आपके लिए जो कंटेंट है ना वो सफिशिएंट है। वैदिक सभ्यता के अंदर बस ये और पढ़ लेना कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, क्योंकि डिक्लाइन के बहुत सारे रीजंस दिए गए, अलग अलग पर्सन ने यहाँ पर डिक्लाइनेशन के अलग अलग रीजंस दिए गए। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर कितने बजे, अभी सुबह 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, और अगर आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो टाइमली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी होता है ना, क्लास कोई ना छूटे। तो मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।